हेलो दोस्तों, मैं निशा सिंह और अध्यापित एंड ममास किचन में आपका स्वागत करती हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज हम बनाएंगे आलू बैगन की सुपर टेस्टी सब्जी, वो भी झटपट से। तो चलिए चलते हैं बनाने की। आलू बैगन की इतनी टेस्टी सब्जी आप एक बार बनाओगे ना मेरी तरह से, तो आप बार बार बनाओगे और इसी तरह से बना के खाओगे, क्योंकि आपको इसका टेस्ट इतना पसंद आएगा ना। तो चलिए बनाते हैं आलू बैगन की ये आसान से बनने वाली सब्जी को, जो घर की बिल्कुल बेसिक चीज़ों से बनेगी। इसके लिए कोई हमें अलग से कोई सामान बाजार से नहीं लाना है। तो बैंगन आलू की टेस्टी और आसान सब्जी के लिए हम लेंगे आलू, टमाटर, बैंगन, प्याज, लहसुन की कुछ कलियां और हरी मिर्च। सब्जियों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से बढ़ा या घटा सकते हैं। तो हम इनको रफली काट लेंगे। हमने टमाटर, प्याज, लहसुन, मिर्ची और आलू को कट कर लिया है। अब हम बैंगन को भी कट करेंगे। बैंगन के ऊपर वाले डंठल को इस तरह से निकाल लेंगे। आप सॉफ्ट वाला बैंगन लें, उसमें बीज नहीं होता है। हार्ड वाला लेंगे ना, उसमें बीज होगा। इस तरह से काट के हम इसको कट करने के बाद ना पानी में डालते जाएंगे, नहीं तो ये काला पड़ जाएगा। और हाँ, आप बैंगन किसी भी साइज का ले सकते हैं, बड़ा वाला, लंबा वाला। मेरा तो ये छोटा छोटा है। इस तरह से ना हम कट करके पानी में डालते जाएंगे। ताकि ये काला ना हो। इसके लिए सबसे पहले हम गैस ऑन करके गैस पे रखेंगे कुकर और कुकर को गर्म होने देंगे। कुकर गर्म हो चुका है तो हम इसमें डालेंगे मस्टर्ड ऑयल यानी कि सरसों का तेल और उसको गर्म होने देंगे। तेल गर्म हो चुका है तो अब हम इसमें डालेंगे दो तेज पत्ता, ऐसे फोल्ड करके डालेंगे। थोड़ा जीरा, कटी हुई हरी मिर्च, कटे हुए लहसुन जो हमने छोटे छोटे काट के रखे थे, और इसको एक बार ऐसे चलाएंगे। और अब इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज और इसको सुनहरा होने तक भूनेंगे। हमने गोल्डन कर लिया है प्याज को मीडियम फ्लेम पर। तो अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटर और इसको सॉफ्ट होने देंगे डालने के बाद। और हाँ, आप ना बैंगन की सब्जी में लहसुन जरूर डालें, क्योंकि लहसुन का टेस्ट ना बैंगन को मतलब और दुगना करता है, बैंगन की सब्जी को लहसुन का टेस्ट। अब इसको हम थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे। टमाटर सॉफ्ट हो रहा है तो इसी बीच में हम डालेंगे इसमें एक डेढ़ चम्मच के करीब हल्दी। छोटी वाली चम्मच से आप अपने अनुसार देख लें, ये चम्मच मेरी इतनी छोटी है। और डालेंगे नमक। नमक हम थोड़ा कम ही डालेंगे, क्योंकि नमक हम काला नमक फिर से बाद में भी डालेंगे। और इसको अच्छे से चलाएंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालें। और अब इसको अच्छे से चला के टमाटर को थोड़ा और सॉफ्ट करेंगे। हमारा टमाटर सॉफ्ट हो गया है, ये देखिए। तो अब हम इसमें डालेंगे ये कटे हुए आलू और बैंगन। मैंने इसको थोड़ी देर पहले पानी से निकाल लिया था। सारा काम आप मीडियम फ्लेम पे ही करें। और इसको अच्छे से चला देंगे। हमने हल्दी इसलिए डाली है ना, ताकि ऐसे डालने से ना बैंगन का रंग काला ना पड़े। और नमक हल्दी साथ में गल भी जाएगी सब्जी, थोड़ी पक जाएगी। और इसी तरह से इसका ढक्कन हम ढक्कन बंद कर देंगे। हम पानी इसमें ज़रा सा भी नहीं डालेंगे।
और इसी तरह से मीडियम फ्लेम पे हम इसको 2 सीटी आने तक पकाएंगे। हमको इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, मीडियम फ्लेम पे सिर्फ 2 सीटी आनी है। और जब तक 2 सीटी आती है हम दूसरा काम भी कर लेंगे, क्योंकि सब्जी सब्जी तो हम खाएंगे नहीं, उसके साथ रोटी चावल कुछ तो होना चाहिए ना, तब तक हम दूसरी कामों को कर लेंगे। हमारी 1 सीटी आ गई, तो थोड़ी देर के लिए हम गैस को बंद कर देंगे इसकी सीटी निकलने तक। हमने लिया है एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच आमचूर पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच से थोड़ा कम गरम मसाला और 1/2 चम्मच से थोड़ा कम काला नमक और थोड़ी सी कस्तूरी मेथी। 2 सीटी आने के बाद हमने गैस को बंद कर दिया था सीटी निकलने तक, तो सीटी निकल चुकी है और हमने बिल्कुल लगभग मीडियम टू हाई फ्लेम पे किया था। ये देखिए इसमें पानी छोड़ दिया है, ये देखिए हमने इसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं डाला था, इस सब्जी में हमको पानी नहीं डालना है। तो हम गैस को फिर से ऑन कर लेंगे। और इसमें डालेंगे ये जो मसाले हमने निकाल के रखे ना वो, और इसको ना अच्छे से चलाएंगे। इसको हल्के हाथों से चलाएं, नहीं तो आलू टूट जाएगी। और हाँ, जब तक इसमें ना बगल से तेल ना निकल आए तब तक इसको मीडियम फ्लेम पे या लो फ्लेम पे भूनेंगे, मीडियम टू लो या लो टू मीडियम। हमारी सब्जी के ऊपर ऊपर तेल आ गए हैं, तो हमारी सब्जी अब हो गई है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। घर की बेसिक चीज़ों से बनने वाली ये आलू बैंगन की सब्जी आपको बहुत टेस्टी लगेगी, आप जैसे बनाते हैं ना उससे ज़्यादा टेस्टी लगेगी। और कोई विशेष झंझट भी नहीं करनी है, आप इसको बनाते बनाते दूसरा बहुत सारा काम कर सकते हैं। अच्छा, तो आप एक बार ये सब्जी ज़रूर ट्राई करें। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें। और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।